राग तिलक कामोद। राग तिलक कामोद की उत्पत्ति खमाज थाट से हुई है। इस राग में सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह में धैवत यानी ध वर्जित स्वर है और अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में छह और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति शाणव संपूर्ण है। इस राग का वादी स्वर ऋषभ यानी रे है और संवादी स्वर पंचम यानी प है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग तिलक कामोद के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए आरोह। और अब प्रस्तुत है अवरोह। इस राग की पकड़ इस प्रकार है। पानी सारे गा रे पा मा गा सानी सा। अब प्रस्तुत है राग तिलक कामोद की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है इस राग की स्वर मालिका की स्थाई। नी पा नी सा रे गा नी सा रे गा रे पा मा गा नी सा नी पा नी सा रे गा नी सा रे गा रे पा मा गा नी सा रे मा पा धा मा पा सा पा धा मा गा सा रे गा नी सा रे मा पा धा मा पा सा पा धा मा गा सा रे गा नी सा नी पा नी सा रे गा नी सा रे गा रे पा मा गा नी सा नी पा नी सा रे गा नी सा रे गा रे पा मा गा नी सा। अब प्रस्तुत है इस स्वर मालिका का अंतरा। मा पा नी नी सा सा नी सा नी सा रे रे गा सा नी सा मा पा नी नी सा सा नी सा नी सा रे रे गा सा नी सा पा नी सा रे सा पा धा मा गा सा रे पा मा गा नी सा पा नी सा रे सा पा धा मा गा सा रे पा मा गा नी सा नी पा नी सा रे गा नी
सा री ग री प म ग नी सा नी प नी सा री ग नी सा री ग री प म ग नी सा। अभी आपने सुनी राग तिलक कामोद की स्वर मालिका। अब इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना सुनिए। बोल हैं, चंदा ओ चंदा मेरे घर आजा। पहले प्रस्तुत है इसकी स्थाई। चंदा ओ चंदा मेरे घर आजा, चंदा ओ चंदा मेरे घर आजा, मुनिया को आके तू सुला जा, मुनिया को आके तू सुला जा, चंदा ओ चंदा मेरे घर आजा, चंदा ओ चंदा मेरे घर आजा। अब प्रस्तुत है इस रचना का अंतरा। झील अभी आपने सुनी राग तिलक कामोद की स्वर मालिका, साथ ही सुनी इस स्वर मालिका पर आधारित रचना। राग रस बरसे